हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आप उठ जाओ, आप उठ जाओ। बाइट नहीं होगी सर, बाइट नहीं होगी, बाइट नहीं होगी। ये मंदिर के अंदर की तस्वीरें हैं। आज अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल का जन्मदिन भी है। केक जब कटा था उसकी तस्वीरें भी आपने सबसे पहले अपने चैनल एबीपी न्यूज पर देखी थी। और अब ये मंदिर के अंदर की तस्वीरें, जब दर्शन के लिए सब परिवार, ये अरविंद केजरीवाल के बेटे दिखाई दे रहे हैं जैकेट में, ग्रे कलर की जो जैकेट है। अरविंद केजरीवाल की बेटी भी उनके साथ है, पूरा परिवार अरविंद केजरीवाल का और मनीष सिसोदिया। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर की ये तस्वीरें। अरविंद देख रहे थे कि किस तरीके से अरविंद जी एक बार फिर से, एक बार फिर से हनुमान जी, और मनीष जी एक बार फिर से हनुमान जी के पास में। जय हनुमान, हनुमान जय हनुमान का जो है जयकारों के साथ में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हैं हनुमान मंदिर में। और ये तस्वीरें हैं हनुमान मंदिर के अंदर की, जहां पर बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी मौजूद है, सुरक्षा के जवान मौजूद हैं, और इस सबके बीच में जो श्रद्धालु हैं वो यहां पर मौजूद हैं। तो काफी ज्यादा भीड़ इस वक्त हनुमान मंदिर के अंदर। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के जो पत्नी है, जो बेटे और बेटी, वो यहां पर पहुंचे, और उसके बाद में पहुंचे खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और कुछ इस तरीके से चल रही है पूजा अर्चना हनुमान मंदिर के अंदर, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ में, और जो पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया, उनके साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तुम्हारा फ्रेम कहाँ है? ये प्रसाद अरविंद केजरीवाल ने चढ़ाया और बदले में मंदिर के पुजारी ने उन्हें प्रसाद दिया, पुष्प दिए। अरविंद केजरीवाल ने सभी का आभार जताया और उसके बाद वो सपरिवार मनीष सिसोदिया के साथ देखिए जल ग्रहण किया उन्होंने। जय हनुमान जय बजरंग बली के नारे गूंज रहे हैं मंदिर के अंदर। तीसरी बार लगातार दिल्ली की कमान मुख्यमंत्री के तौर पर संभालेंगे अरविंद केजरीवाल, और आम आदमी पार्टी की तरफ से इसे नकारात्मक राजनीति करने वालों के अंत की शुरुआत के तौर पर प्रचारित किया गया। जीत मिलने के बाद यही कहा गया कि लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बल्कि लड़ाई अभी शुरू हुई है। Yeah, yeah, yeah.
मंदिर के पुजारी से संवाद कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, और उसके बाद बड़े प्रसन्न चित्त मुद्रा में वो बाहर की ओर निकले। लगातार मीडिया की कोशिश के अरविंद केजरीवाल कुछ कहें, मनीष सिसोदिया ने जरूर कहा बजरंग बली की जय, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर और उसके बाहर ये प्रांगण आप देख सकते हैं, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपके समर्थकों से खचाखच भरा हुआ है। हालांकि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया अब मंदिर से दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब अरविंद केजरीवाल सपरिवार मनीष सिसोदिया के साथ कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। सरकार को दे दोगे दिल्ली सरकार? मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर निकले हैं मनीष सिसोदिया को आप देख सकते हैं। दर्शन के बाद बाहर निकलते हुए अरविंद केजरीवाल के साथ ही मनीष सिसोदिया भी हनुमान मंदिर पहुंचे थे अब से कुछ देर पहले। अरविंद केजरीवाल ने जीत के बाद जो भाषण दिया था अपने कार्यकर्ताओं को, उसमें भी उन्होंने बजरंग बली का आभार जताया था। और ये तस्वीरें देखिए, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों ही आपको नजर आ रहे हैं। दर्शन करने के बाद की तस्वीरें हैं ये, मंदिर से, कनॉट प्लेस के मंदिर से बाहर निकलते हुए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से घिरे हुए हैं, इसलिए उम्मीद कम है कि मीडिया से शायद कुछ कहें, लेकिन फिर भी मीडिया की तरफ वेव कर रहे हैं। इस बंपर जीत को अरविंद केजरीवाल ने मंगलकारी बताते हुए कहा है कि आज बजरंग बली ने दिल्ली वालों पर भी कृपा बरसाई है। तो अपनी जीत का पूरा श्रेय उन्होंने दो हिस्सों में बांटा है, पहला हिस्सा उनके वोटर दिल्ली के लोग, और दूसरा श्रेय उन्होंने हनुमान जी को दिया, बजरंग बली को दिया। हुजूम उमड़ा हुआ है, अरविंद केजरीवाल को हर कोई बधाई देना चाह रहा है। दिल्ली वाले जिन्होंने ये तय किया है कि लगातार तीसरी बार भी अरविंद केजरीवाल उनके मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, वो कुछ कहें, लेकिन उनकी सुरक्षा में लगे लोग बाधा बन रहे हैं, बात नहीं करने दे रहे। अरविंद केजरीवाल कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन उनकी बात स्पष्ट नहीं हो पाई। इतने में एक सुरक्षा कर्मी ने माइक हटा दिया। दिल्ली चुनावों का नतीजा सामने आने के बाद में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ में पहुंचे हैं दिल्ली के हनुमान मंदिर। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल यहां पर मौजूद है। दिखा सकते हैं कि किस तरीके से उनके बेटे, उनकी बेटी और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल पहले पहुंची हैं और अरविंद अब पीछे से आ रहे हैं। अरविंद अब पीछे से आ रहे हैं। हनुमान मंदिर के अंदर की ये तस्वीरें हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त जो है पहले उनकी पत्नी, बेटे और बेटी आई और अब अरविंद खुद अंदर आ रहे हैं। वैसे तो अरविंद जो मतदान था उससे एक दिन पहले भी यहां पर आए थे और जब वो यहां पर आए थे तो उसके बाद में थोड़ी राजनीति भी हुई थी, या ये कहा जाए कि मतदान के दिन ये एक सबसे बड़ा मुद्दा बना था कि अरविंद ने किस तरीके से हनुमान जी के ऊपर माला चढ़ाई थी, जूते के हाथ नहीं धोए थे। लेकिन आज जब नतीजा आया है तो ये कहा जा सकता है कि जो आशीर्वाद है हनुमान जी का वो अरविंद केजरीवाल को मिला है। अरविंद केजरीवाल जो भारी सुरक्षा के बीच में पहुंच रहे हैं हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर के अंदर अरविंद केजरीवाल का परिवार पहले से मौजूद था और अब अरविंद भी अंदर दाखिल हो रहे हैं। सामने हनुमान जी की मूर्ति और उस सबके बीच में अरविंद केजरीवाल। अंकित गुप्ता
की रिपोर्ट अभी आपने देखी, हनुमान मंदिर के बाहर से ही उन्होंने रिपोर्ट की। अब ये देखिए वेव कर रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं लोगों का। तीसरी बार, लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे अरविंद केजरीवाल। 70 में से 63 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में और 7 सीटें मात्र भारतीय जनता पार्टी के खाते में। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। आपको बता दें, दिल्ली के इस चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में बजरंग बली सर्वाधिक प्रासंगिक रहे थे, चर्चित रहे थे भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच। एक होड़ सी लगी थी कि कौन ज्यादा बड़ा हनुमान भक्त है, कौन हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। अरविंद केजरीवाल ने भी हनुमान चालीसा सुनाई थी, तो बीजेपी दिल्ली अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी हनुमान चालीसा गाकर सुनाई थी। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।